subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सोफी ख्वाजा मोइदून चिश्ती के नाम से जानी जाने वाली यूनिवर्सिटी का नाम बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाम में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक ख्वाजा मोइदून चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नया नाम अब ख्वाजा मोइदून चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय होगा। योगी कैबिनेट ने नाम बदलने का फैसला गवर्नर आनंदीबेन के सुझाव पर लिया। उन्होंने इस सिलसिले में पिछले साल राज्य सरकार से विचार करने को कहा था, जिसके बाद कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय कानून 1973 में संशोधन किया। नाम बदलने के फैसले के पीछे राज्य सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से छात्रों के लिए रोजगार सृजन होगा, यानी रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि उर्दू अरबी फारसी के अलावा फ्रेंच जर्मन और जापानी भाषा में रोजगार के ज्यादा अवसर है, इसलिए यूनिवर्सिटी के नाम में मामूली बदलाव करने का फैसला लिया गया है। सरकार का तर्क है कि राज्य में भाषा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। फ्रेंच जर्मन और जापानी विदेशी भाषा होने के चलते रोजगार के द्वार ज्यादा खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही राज्य में एक भाषा विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस की जा रही थी, इसलिए नाम में मामूली बदलाव करने से इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी, जिसमें कई भाषाओं की शिक्षा दी जाएगी। तो फिलहाल राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.